नमस्कार, न्यू इंडिया हेराल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कुछ अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारत की अध्यक्षता में SCO राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया है, जिसमें कट्टरपंथ, अलगाववाद और चरम पंथ का मुकाबला करने के लिए सहयोग का आह्वान किया गया है। इस वर्चुअल समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। पीएम मोदी ने इन नेताओं की मौजूदगी में चरमपंथ का मुद्दा उठाया। अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ लेने से पहले 2-3 कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली गई थी, ताकि सरकार में शामिल होने पर उन्हें अयोग्य न ठहराया जा सके। साथ ही पार्टी के संविधान और मतदान नियमों का भी पालन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी दशमत रावत आज भोपाल मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। यहां सीएम शिवराज ने दशमत के पैर धोकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। साथ ही सीएम शिवराज ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि मन दुखी है, मेरे लिए जनता ही भगवान है। सीएम ने दशमत को सुदामा कहते हुए कहा कि तुम अब मेरे दोस्त हो। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में गुरुवार को स्कूल के बाहर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक दिन पहले ही यहां स्कूल खोले गए हैं। हालात देखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट पर बैन 5 दिन और बढ़ा दिया है। राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच हिंसा में अब तक 135 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। भारत के बाहर IIT का पहला कैंपस पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया के जंजीबार में खोला जाएगा। इस सिलसिले में विदेश मंत्री S जयशंकर और जंजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली मिबनवी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए। बता दें कि विदेश मंत्री S जयशंकर इस समय तंजानिया के दौरे पर हैं। हरियाणा में अब कुंवारों को भी पेंशन मिलेगी। चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में CM मनोहर लाल ने 45 से 60 आयु वर्ग तक के कुंवारे महिला पुरुष के लिए 2750 रुपये की पेंशन शुरू करने की घोषणा की। इसका लाभ 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले लोग उठा सकेंगे। DMK प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने समान नागरिक संहिता लागू करने की आलोचना की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रस्तावित कदम केवल केंद्र में भाजपा का विरोध करने वालों को निशाना बनाने के लिए है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि किसी को भी प्रधानमंत्री आवास में बिना पत्नी के नहीं रहना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा, जो भी PM हो उसे PM आवास में बिना पत्नी के नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री की कोठी में बिना पत्नी के जो लोग रहते हैं वो बहुत गलत है, इसे खत्म करना चाहिए। जो भी हो पत्नी के साथ रहना चाहिए। श्रीनगर में राष्ट्रगान के वक्त खड़े न होने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। यह घटना जून महीने में हुए एक कार्यक्रम की बताई जा रही है। प्रशासन ने राष्ट्रगान के वक्त लोगों को खड़ा न होने के कारण कुछ पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया है। बांग्लादेश वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। यह ऐलान इस वक्त में हुआ है जब 3 महीने बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है। एक दिन पहले ही अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे मैच में बांग्लादेश की हार हुई थी।